कोरोना के विषय में अर्ली डिटेक्शन यानी मामले का सही समय पर संज्ञान में ले लेना अत्यंत आवश्यक है। पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि यदि मामला सही समय पर संज्ञान में आ जाता है तो स्थिति बिगड़ने पर भी उसको सुधारा जा सकता है और व्यक्ति को बचाया जा सकता है। इसी बात को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खास तौर पर सर्वे अभियान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ही ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोरोना है तो उसको हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सकें और वो प्रकरण हमारे सामने आए। इसी मंशा के साथ भोपाल में सबसे पहले इस सर्वे का प्रारंभ किया गया और लगातार काफ़ी तेज़ी से सभी आबादी को कवर करते हुए इस सर्वे को किया जा रहा है। अभी तक हम भोपाल में लगभग 9.5 लाख से ज़्यादा लोगों का सर्वे कर चुके हैं, जिसमें कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस सामने आए। इसमें अच्छी बात यह है कि हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है भोपाल का, वो पहले से और कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। जिसका मतलब ये है कि ऐसा कोई मेजर स्प्रेड डिजीज़ का नहीं है, केवल क्योंकि हम लोग आगे आकर फीवर क्लिनिक के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से बार बार आगे आकर किसी भी मामले को अर्ली डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये सारे मामले हमारे संज्ञान में आ रहे हैं और इस सब के माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम इस बीमारी को आगे फैलने से रोकें। इसमें मैं भोपाल की सभी जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि जब हम इस महत्व को समझते हैं कि कोई भी केस हो, कोई भी लक्षण हो, कोई भी सिम्टम्स हो, तो उसे तत्काल संज्ञान में आना ही सबसे आवश्यक है कोरोना के मामले में। तो इसमें हम सबको भी इसी प्रकार सहयोग करना है कि यदि हम कोई भी लक्षण पाते हैं तो हम तत्काल अपनी जाँच ज़रूर कराएँ। हम अपने नज़दीकी फीवर क्लिनिक जाएँ और वहाँ स्क्रीनिंग कराएँ। यदि स्क्रीनिंग में फीवर क्लिनिक के डॉक्टर्स ये पाते हैं कि आपका सैंपल लेने की आवश्यकता है तो हम सैंपल्स देने में सहयोग करें। मैं पुनः एक ही बात कहना चाहूँगा कि कोरोना के विषय में कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम्स आने पर हम जितनी जल्दी उस मामले को संज्ञान में ले पाएंगे, हम जितनी जल्दी अपनी जांच कराएंगे, उतनी ही जल्दी हम स्वस्थ होंगे और उतनी ही तेज़ी से हम इस बीमारी से जीत पाने में सफल होंगे। धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।